इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों नूं लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके हैं। गुरदासपुर के मुद्दों नूं लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखा है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर के लग चुके हैं, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे अज उन्होंने वालों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है। अपने गुरदासपुर हल्के के लिए उन्होंने वक् वक् मुद्दों नूं लैके जो है नितिन गडकरी के नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दिती है कि उन्हों का निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी और कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तों इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्ह दोहां पुलों की उसारी का काम जिला वासियों को आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लिए किया गया सी। हुण सवाल यह खड़ा होंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल दा आखर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद्या प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुनने तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है वो सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल की तो जदों तो गुरदासपुर तो सांसद चुने गए हैं उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्थे लगातार मांग कर रही थी कि उन्होंने मुश्किलों आके सनी देओल सुन। हालांकि कोरोना के टाइम भी वो उत्थे नज़र नहीं सी आए, तो इस तो बाद लगातार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर जो है वह गुरदासपुर के थां थां लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने एक बार फिर तो पंजाब की सियासत एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के लैके जो है वक्-वक् जो उत्थे दे मुद्दे से उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा ते उन्हों का हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके हैं। गुरदासपुर के मुद्दों लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखा है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर के लग चुके हैं, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे
अज उन्होंने वालों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के के लिए। उन्होंने वक् मुद्दों लैके जो है नितिन गडकरी के नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दिती है कि उन्होंने निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलिया वासियों नूं जिला वासियों नूं आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लई कीता गया सी। हुण सवाल यह खड़ा हुंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल दा आखर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल के निर्माण लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों नूं मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलदियां प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क अते ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की अते उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तों जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुनण तों बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है और सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल की तो जदों तो वो गुरदासपुर तो सांसद चुने गए हैं उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्ते लगातार मांग कर रही थी कि उन्हां दीआं मुश्किलां नूं आके सनी देओल सुनन। हालांकि करोना के टाइम भी वह उत्ते नज़र नहीं सी आए तो इस तो बाद लगातार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर जो है वह गुरदासपुर दे विच थां थां ते लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने वो एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के नूं लैके जो है वक्-वक् जो उत्ते दे मुद्दे सी उन्हां नूं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा है ते उन्हां दा हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधी सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों नूं लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर दे मुद्दियां नू लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया दे उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखे है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वो सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वो उत्ते लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर दे विच लग चुके ने, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने वह गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे दे विच अज उन्हां दे वल्लों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के दे लई। उन्होंने वक्-वक् मुद्दों नूं लैके जो है नितिन गडकरी दे नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दिती है कि उन्हों का निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वह एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलिया वासियों नूं जिला वासियों नूं आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लई कीता गया सी। हुण सवाल यह खड़ा हुंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल दा आखर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है
कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुनने तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया और इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगया और उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार के दखल तो बाद 190 करोड़ के निर्माण कारज के प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है वह सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल दी तां जदों तो वह गुरदासपुर तो सांसद चुने गए ने उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्थे लगातार मांग कर रही थी कि उन्हां दीआं मुश्किलां नूं आ के सनी देओल सुणन। हालांकि करोना के टाइम भी वह उत्थे नज़र नहीं सी आए ते इस तो बाद लगातार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर जो है वह गुरदासपुर दे विच थां थां ते लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने वह एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के नूं लैके जो है वख-वख जो उत्थे दे मुद्दे सी उन्हां नूं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा तो उन्होंने हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर के मुद्दों लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखा है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर दे विच लग चुके ने, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने वह गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे दे विच अज उन्हां दे वल्लों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के दे लई। उन्होंने वख-वख मुद्दों नूं लैके जो है नितिन गडकरी दे नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दी है कि उन्होंने निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलियां वासियां नूं जिला वासियां नूं आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लई कीता गया सी। हुण सवाल यह खड़ा हुंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल दा आखर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुणन तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है
ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਜੋ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸੁਣਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी दिओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी दिओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों को लेकर एक्टिव हुए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी दिओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके हैं। गुरदासपुर के मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखे है कि गुरदासपुर के हकों हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी दिओल लैके काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी दिओल उत्ते कि जदों तो सनी दिओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर के लग चुके हैं, परंतु फिर भी सनी दिओल जो ने गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे अज उन्हां दे वल्लों एक बार फिर तो एक्टिवनेस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के दे लई। उन्होंने वख वख मुद्दों नू लैके जो है नितिन गडकरी दे नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दी है कि उन्हों का निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी दिओल दे नाल संबंधी। सनी दिओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वह एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तों इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलिया वासियों नू ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਾ ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕੋੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 190 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਜੋ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸੁਣਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी दिओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी दिओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों को लेकर एक्टिव हुए ने ते उन्होंने अज
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर के मुद्दों नू लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखा है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर के लग चुके हैं, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे अज उन्होंने वालों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के के लिए। उन्होंने वक् वक् मुद्दों को लैके जो है नितिन गडकरी के नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दी है कि उन्होंने निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी और कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार के वलों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्ह दोहां पुलों की उसारी का काम जिला वासियों को आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लिए किया गया सी। हुण सवाल यह खड़ा होंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल दा आखर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद्या प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुनने तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है और सनी देओल दे वालों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल की तो जदों तो वह गुरदासपुर तो सांसद चुने गए हैं उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्थे लगातार मांग कर रही थी कि उन्होंने मुश्किलों आके सनी देओल सुन। हालांकि कोरोना के टाइम भी वो उत्थे नज़र नहीं सी आए, तो इस तो बाद लगातार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर जो है वह गुरदासपुर के थां थां लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने एक बार फिर तो पंजाब की सियासत एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के लैके जो है वक्-वक् जो उत्थे दे मुद्दे से उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा ते उन्होंने हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों को लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर दे मुद्दों नू लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखा है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर के लग चुके ने, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे अज उन्होंने वालों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के के लिए। उन्होंने वक् वक् मुद्दों को लैके जो है नितिन गडकरी के नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाल मुलाकात की है,
जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दिती है कि उन्हों का निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधित। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलिया वासियों नूं जिला वासियों नूं आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लिए किया गया सी। हुण सवाल यह खड़ा होंदा कि दोहां पुलों की उसारी लिए ढिल का आखिर कारण की सी। उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलदिया प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन सारिया समस्यावां नूं सुनने तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है और सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल की, तो जदों तो वो गुरदासपुर तो सांसद चुने गए हैं उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्ते लगातार मांग कर रही थी कि उन्हां दीआं मुश्किलां नूं आके सनी देओल सुनन। हालांकि करोना के टाइम भी वो उत्ते नज़र नहीं सी आए, तो इस तो बाद लगातार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर जो है वह गुरदासपुर दे विच थां थां ते लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने वो एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव होए ने, ते अपने गुरदासपुर के हल्के नूं लैके जो है वख वख जो उत्ते दे मुद्दे सी उन्हां नूं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा है, तो उन्होंने हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों नूं लैके एक्टिव होए ने, तो उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर दे मुद्दियां नू लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया दे उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखे है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वो सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वो उत्ते लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर दे विच लग चुके ने, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने वह गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे दे विच अज उन्हां दे वल्लों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है। अपने गुरदासपुर हल्के दे लई उन्होंने वख वख मुद्दों नूं लैके जो है नितिन गडकरी दे नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दिती है कि उन्हों का निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधित। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन दोहां पुलों की उसारी का काम जिलिया वासियों नूं जिला वासियों नूं आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लिए किया गया सी। हुण सवाल यह खड़ा होंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल का आखिर
कारण की सी तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुनने तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया और इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगिया और उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार के दखल तो बाद 190 करोड़ के निर्माण कारज के प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है वह सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल दी तां जदों तो वह गुरदासपुर तो सांसद चुने गए ने उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्थे लगातार मांग कर रही थी कि उन्हां दीआं मुश्किलां नूं आ के सनी देओल सुणन। हालांकि करोना के टाइम भी वह उत्थे नज़र नहीं सी आए ते इस तो बाद लगातार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर जो है वह गुरदासपुर दे विच थां थां ते लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने वह एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के नूं लैके जो है वख-वख जो उत्थे दे मुद्दे सी उन्हां नूं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा तो उन्होंने हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर के मुद्दों लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखा है कि गुरदासपुर के हकों लिए हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल को लेकर काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्थे लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्हां दी गुमशुदगी दे पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर दे विच लग चुके ने, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने वह गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे दे विच अज उन्हां दे वल्लों एक बार फिर तो एक्टिवनैस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के दे लई। उन्होंने वख-वख मुद्दों नूं लैके जो है नितिन गडकरी दे नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दी है कि उन्होंने निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वो एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तो इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलियां वासियां नूं जिला वासियां नूं आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लई कीता गया सी। हुण सवाल यह खड़ा हुंदा कि दोहां पुलों की उसारी लई ढिल दा आखर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन्हां समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन्हां सारियां समस्यावां नूं सुणन तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगिया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वालों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दी गई। पंजाब सरकार वालों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है वह सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल दी तां जदों तो वह गुरदासपुर तो
सांसद चुने गए ने उदो तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्ते लगातार मांग कर रही थी कि उन्होंने मुश्किलों आके सनी देओल सुनन। हालांकि कोरोना के टाइम भी वह उत्तर नज़र नहीं सी आए तो इस तो बाद लगातार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर जो है वह गुरदासपुर के थां थां लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने एक बार फिर तो पंजाब की सियासत एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के लैके जो है वक् वक् जो उत्थे दे मुद्दे से उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा तो उन्होंने हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। इस वक्त की वड्डी खबर गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल संबंधित सामने आ रही है। सनी देओल एक बार फिर तो गुरदासपुर के मुद्दों को लैके एक्टिव होए ने ते उन्होंने अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, सनी देओल एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव हो चुके ने। गुरदासपुर के मुद्दों को लैके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है। सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने एक पोस्ट पाई है जिस लिखे है कि गुरदासपुर के हकों हमेशा डटिया रहांगा। हालांकि जेकर गल की जाए तो गुरदासपुर की जो जनता है वह सनी देओल लैके काफ़ी नाराज़ है। जनता का दोष है लगाया जा रहा है, जनता वालों दोष लगाए जा रहे हैं सनी देओल के उत्ते कि जदों तो सनी देओल सांसद बने ने उदों तो ही वह उत्ते लापता ने। हालांकि किन्नी बार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर भी जो ने गुरदासपुर के लग चुके हैं, परंतु फिर भी सनी देओल जो ने गुरदासपुर नहीं पहुँच पाते। तो अजिहे अज उन्हां दे वल्लों एक बार फिर तो एक्टिवनेस जो है वह दिखाई गई है अपने गुरदासपुर हल्के दे लई। उन्होंने वख वख मुद्दों को लैके जो है नितिन गडकरी दे नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की है, जिस दे विच उन्होंने जो उत्थे दो पुलों का निर्माण रोकया गया सीगा उसनू लैके एक बार फिर तो अपडेट दी है कि उन्हों का निर्माण जो है वह लगातार फिर तो हो जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं सनी देओल दे नाल संबंधी। सनी देओल ने जो अज सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है उस दे विच लिखा है कि मकोड़ा पुल की उसारी अते कीड़ी पुल की उसारी जो है वह एक बार फिर तो हो जा रही है, जिस दे लई ग्रांट जो है केंद्र सरकार दे वल्लों मंजूर कर ली गई है। इस तों इलावा जो उन्होंने अपनी फेसबुक के उत्ते पोस्ट लिखी है उस दे विच उन्होंने कहा है कि पिछले साल मकोड़ा पुल की उसारी दे लई 100 करोड़ रुपए अते कीड़ी पुल की उसारी दे लई 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन। इन्हां दोहां पुलों की उसारी का काम जिलियां वासियां नूं जिला वासियों आज़ादी तो बाद तो आ रही मुश्किलों तो निजात दवाने लिए किया गया। हुण सवाल यह खड़ा होंगे कि दोहां पुलों की उसारी लिए ढिल का आखिर कारण की सी। तां उन्होंने लिखा है कि मकोड़ा पुल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए और कीड़ी पुल के निर्माण लिए 90 करोड़ रुपए पास किए गए सन, पर सूबा सरकार वालों सारे कामों को मंजूरी दे दी गई, पर सियासी मंतव के चलद प्रबंधकों वालों उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। इस संबंधी पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग दौरान आ रही इन समस्यावां तो जाणू करवाया कि सूबा सरकार वालों कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा। इन सारिया समस्यावां नूं सुनन तो बाद गडकरी ने सूबा सरकार नूं तलब किया अते इन्हां दोहां कम्मां नूं रोकण दा स्पष्टीकरण मंगिया अते उस तो बाद पंजाब सरकार वल्लों भी इस काम नूं प्रवानगी दे दित्ती गई। पंजाब सरकार वल्लों रोके गए दोहां वड्डे कम्मां नूं केंद्र सरकार दे दखल तो बाद 190 करोड़ दे निर्माण कारज दे प्रबंध की मंजूरी मिली। इस दे लई खास तौर पर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करदा। तां इह पोस्ट जो है और सनी देओल दे वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट के उत्ते पाई गई है। हालांकि जेकर गल की जाए सनी देओल की तो जदों तो वो गुरदासपुर तो सांसद चुने गए ने उदों तो ही लगातार वह उत्तों गायब सी। जनता जो है उत्तें लगातार मांग कर रही थी कि उन्होंने मुश्किलों आके सनी देओल सुनन। हालांकि कोरोना के टाइम भी वह उत्तें नज़र नहीं सी आए तो इस तो बाद लगातार उन्होंने गुमशुदगी के पोस्टर जो है वह गुरदासपुर के थां थां लगे, परंतु एक बार फिर तो कहा जा सकता है कि सनी देओल जो ने एक बार फिर तो पंजाब की सियासत दे विच एक्टिव होए ने ते अपने गुरदासपुर के हल्के लैके जो है वक् वक् जो उत्थे दे मुद्दे से उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा तो उन्होंने हल भी जो है हुण उन्होंने करवा दिता है। पंजाब ते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।